अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। दूध लिया है मैंने 3 लीटर, आधा किलो शुगर ली है, 1.5 पाव राइस लिए, ये सबसे अच्छे वाले राइस हैं बासमती। इतना मैंने पिस्ता बादाम लिया है सिर्फ गार्निश के लिए, और ये छोटी इलायची है इसको मैंने छील लिया है और इसको मैं पीस लूँगी। ये मैं डालूँगी पत्ते, इसको मैंने फुल टाइम पर बॉईल करना है। इसमें जब 3 बॉईल आ जाएंगे फिर मैं इसमें राइस डालूँगी। मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। देखिए इसके अंदर ये होते हैं, इसको हम कहते हैं घुन। जो पुराने चावल अगर हैं तो उसमें ये होते हैं, तो ये सारे वॉश करके हम इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। सब निकाल देंगे ये, और अगर कुछ इसमें दाल शान होता है तो आप चुन लीजिए, वैसे इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो गए, अब ये मैं कुछ नहीं निकल रहा। अब मैं इसको भिगा दूँगी। जितनी देर दूध बॉयल हो रहा है इतनी देर मैं इसको भिगा कर यहाँ रख दूँगी। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये देखिए छोटी वाली इलायची थी जो मैंने ये छील लिया है, ठीक है। अब इसको मैं कर लूँगी क्रश, ये मैं क्रश कर कर इसको डाल दूँगी बॉयल जो हो रहा है मिल्क। ये हो गई है, ये बस क्रश करना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। ये देखिए ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ दिखाती हूँ। अब मैं ये किस तरह इजीली फटाफट छिले ये मैं आपको बताती हूँ कैसे छिलते हैं ये एक सेकंड में। ये देखिए मैंने इतना पानी ले लिया है, ये आधा कप पानी ले लिया मैंने, और इसको मैं फुल बॉईल कर लूँगी। ये देखिए अब इसको मैं फुल बॉईल कर लूँगी, और ये मैंने इसमें छोटी इलायची डाल दी थी और चम्मच चला दिया। अब ये देखिए ये छोटे पतीली में पानी बॉयल हो रहा है, वो देखिए आप, मैं ये देखिए फुल बॉयल हो गया। अब इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं उठा लूँगी। ये देखिए ये उठा लिया मैंने, और क्या करूँगी ये फटाफट डालूंगी इसमें ये चूल्हा जलते हुए बिल्कुल नहीं डालिएगा, चूल्हे पर से आपने हटाया इसको डालकर, और इसको कर दूंगी मैं थोड़ा, और अब इसको 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी। और जब इसको मैं खोलूंगी तो ये बिल्कुल छिलके तैयार होकर उतरने के लिए। ये देखिए अब मैंने इसको सोक कर दिया था 5 मिनट्स के लिए, और इसमें से मैंने पानी निकाल दिया। अब क्या करूंगी, अभी देखिए मैं ये राइस डाल दूंगी इस प्लेट में, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी, और जब ये मैं राइस उसमें डालूंगी तो फिर ये मैं इसको जब तक ये थोड़े से क्या कहते हैं हम हरेरे हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी इसको ऐसे मसल, ऐसे ये देखिए ये मसल है ना, मैंने बिल्कुल टूट गई है, देखिए ये इस तरह करके डाल दूँगी फिर मैं। अब देखिए व्यूअर्स, ये मैंने बिल्कुल सारे तोड़ दिए। अभी क्या होगा, शॉर्ट राइस होगा, लेकिन शॉर्ट राइस हम टूटे हुए जो दलिया जिसको कहते हैं वो हमने नहीं डालना होता है। बड़े वाले चावल भिगा कर थोड़ी देर उनको छोड़ देते हैं गीला करके पानी से निकाल कर, उसके बाद इसको हम ऐसे करते हैं। अब जो मैं ये डालूँगी तो और बारीक अगर मैं कर लूँगी, वैसे इसको हम कहते हैं फिरनी। तो ये खीर और फिरनी में फ़र्क है, ये फिरनी बन जाएगी, खीर नहीं बनेगी। ये खीर जो है ना साबित ऐसे ही चावल हम डालते हैं, फिरनी के लिए ऐसे तोड़ देते हैं। तो बस अब ये बॉयल हो गया है, मैं उसमें डालकर आपको दिखाती हूँ। देखिए बस ये बॉयल हो गया है मिल्क, अब इसमें मैं वो जो राइस थी वो डालूँगी जो मैंने हाथ से छोटे छोटे कर दिए। ये देखिए एक ये 1.5 पाव राइस है, 3 लीटर दूध में मैंने 1.5 पाव राइस डाले हैं, मतलब आधा पाव चावल हम 1 लीटर दूध में डालते हैं। पानी शानी बिल्कुल नहीं डालना होता इसमें, फौरी तौर पर इसको मैं चम्मच चलाऊंगी, और इसमें 1 बॉयल आने का मैं वेट करूंगी
जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए मैं इसको ज़रा बहुत गर्म है तो मैं इसको थोड़ा सा पानी ठंडा डालूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ऐसे हाथ डालूँगी तो मेरा हाथ ही जल जाएगा। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, कर लूँगी इस तरह से। देखिए कर लिया मैंने, और कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि उसका कलर सारा निकल जाए। देखिए कितना इजी हटेगा। अब ये देखिए, आप सिर्फ ये देखिए, ये हो गया, ऐसे सारे हट जाएंगे। ये देखिए कितना इजी, सारे ऐसे हट जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये सारा ऊपर आ गया था। अगर मैं एक लम्हा और इसको नहीं देखती तो सारा ये बाहर निकल जाता। अब ये इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी लो, ये देखिए इतनी कर दूँगी, और अब इसको मैं पकने दूँगी जब तक ये थिक नहीं हो जाएगी और ये जो मैंने राइस डाले हैं ये गल नहीं जाएंगे। बस ये मैंने सारे छील लिए इतनी जल्दी, एक मिनट में सारे छील गए। और इसको अब मैं ये काट दूँगी इस तरह। ओहो भाग रहे हो, ये सारे मैं इस तरह काट लूँगी। ये पिस्ते भी काट लूँगी, पिस्ते बड़े आराम से कट जाते हैं। ये देखिए, और यस काजू भी आप इसमें डालें, अखरोट डालें, जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहे डालिए। मैं तो ये जिस तरह ट्रेडिशनल बनती है ना, बस वो वाले तरीक़े आपको बताती हूँ। आप इसको पीस के, ये काजू और ये बादाम, ये छील कर पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत मज़े की होती है वो भी, और ऊपर से गार्निश कर दीजिए तो वो भी बहुत लजीज बनती है। इसी दिन दिखाऊंगी बनाकर। देखिए वाओ, इसको भी मैं पकने दूंगी कम से कम एक घंटा पकने दूंगी इसको। ये देखिए बस बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी है, और ये मुझे यकीन था कितनी देर में ये बिल्कुल रेडी तैयार हो गई होगी। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं इसमें डालूंगी ये शुगर, ये हाफ के जी शुगर है। मैं क्या करूंगी, ये देखिए ये डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं चखूंगी। अगर मुझे खीर फीकी लगी, ये फिरनी है, ये फिरनी कहेंगे हम इसको, अगर ये मुझे फीकी लगी तो मैं इसमें और चीनी डाल दूँगी। और अब ये मैं इसको मिक्स कर और इसी तरह स्लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी और 20 मिनट्स के लिए। अगर इसमें मेल्ट हो जाएगी सारी, मिक्स हो जाएगी। ये देखिए बस, देखिए हो गए हैं ये रेडी, तैयार हो गए। बस ये ऐसे ही रहना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ये जो मैंने राइस तोड़ के डाले थे इसको मसल कर बिल्कुल गल गए हैं ऐसे। ये देखिए बिल्कुल गल गए, ये बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें ये जो थोड़ी सी डाल दूँगी अंदर, ये देखिए थोड़ी सी मैंने अंदर डाल दी। अब बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें, और बस अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। जब मैं डाली तो देखिए इतनी स्लो फ्लेम पर ही मैंने रखा, उसको मैंने तेज़ फ्लेम नहीं की वरना फौरी तौर पे नीचे जल जाती। और उसके बाद मैंने 15-20 मिनट्स इसको और पकाया स्लो फ्लेम पर। शुगर सारी मेल्ट हो गई, इसमें मिक्स हो गई, और इसकी थिकनेस भी कम नहीं, वरना तो क्या होता है कि शुगर जब हम डालते हैं ना तो थिन हो जाती है ये। यस, एक सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी खाना, कोई भी फूड सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए अगर वो लाइट कलर का है तो आप डार्क क्रॉकरी यूज़ कीजिए, और अगर डार्क कलर का है तो लाइट क्रॉकरी यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ये ब्लैक कलर का बोल है तो उसमें सर्व करें तो ज़्यादा और भी अच्छा लगता। मेरे पास ये ब्लू है तो मैंने इसमें कर दिया। अब मैं इसमें ये गार्निश कर दूँगी। अगर आपके पास चांदी के वर्क हैं तो वो भी आप लगा दें और खूबसूरत लगेगा। हाँ ये देखिए मैंने पूरा गार्निश कर दिया। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो फौरी तौर पर मिले। व्यूअर्स, ये देखिए कितनी मज़ेदार फिरनी तैयार हो गई है। बनाइए, खिलाइए, बहुत सारी दाद पाइए। इतनी ईजी वे में देखिए बनी ना, कितनी ईजी बनी। बहुत सारी दाद पाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, गरीबों का ख्याल रखिए, मुस्तकीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये बात अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। अल्लाह हाफिज़।